एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में जांच करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जिशान सिद्दीकी के ऑफिस पहुंची, जहां टीम ने ऑफिस में छानबीन की। वहीं इस दौरान मौके से जायजा लिया हमारी संवाददाता आंचल तिवारी ने। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरीके से हो चुकी थी, उस पूरे मामले को लेकर छानबीन के लिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो चीजें हैं वो खंगालने की जो कोशिश है वो क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से की जा रही है। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम गई थी और वहां से कुछ जानकारियां जुटाने की जो कोशिश है वो क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से की जा रही थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरा से भी जो जानकारियां हैं वो जुटाने का जो काम है वो क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और ये फुटेज काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ा हत्याकांड होता है सरेआम, इसको लेकर हर एक एंगल से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जांच करने में जुटी हुई है। सीधे तस्वीर दिखा रहे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर की और अभी क्राइम ब्रांच की टीम अंदर गई हुई है, बाहर आई थी, उसके पहले स्पॉट पर भी क्राइम ब्रांच की टीम ने जाकर रिक्रिएशन किया है सीन का। और अभी तक यहां पर आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम नहीं आई थी, लेकिन पूरे मामले के छानबीन में लगातार जो जांच है वो क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से की जा रही है। सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है, मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जगह जगह छानबीन की जा रही है कि कोई ऐसा सबूत मिल सके जिससे इस हत्याकांड के बारे में पता चल सके। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जो जांच है वो जारी है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।